अगर शक्तिमान का थीम सॉन्ग सुन के भी आपके रोंगटे खड़े नहीं हुए तो भाई डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि सब्जेक्ट डजंट हैव फीलिंग्स, ही कैन नॉट फील एनीथिंग। फीलिंग्स की बात करें तो यार 90s किड्स के लिए एक शो नहीं बल्कि एक फीलिंग था, क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट लाइव एक्शन सुपर हीरो शो था। भले ही वो शक्तिमान की तरह गोल गोल घूमकर चक्कर खाकर गिर जाना हो या फिर छोटी छोटी मगर मोटी बातें वाले सेगमेंट से कुछ अच्छा सीखना हो, हमने सब एंजॉय किया है। मैं तो इतना बड़ा फैन था ना यार इस शो का कि फोटोज भी शक्तिमान के पोज में ही खिंचवाता था। तो आइए उन्हीं यादों को याद करते हुए बैठते हैं नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस में और जानते हैं कुछ मजेदार फैक्ट्स, जैसे शक्तिमान क्यों बंद हुआ, ये शो कब वापस आएगा, इससे जुड़ी कंट्रोवर्सी क्या थी और उन कंट्रोवर्सी से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था, सुपरमैन से कितना सिमिलर है ये शो और कितना डिफरेंट है ये शो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो लेट्स बिगिन। शक्तिमान शुरू हुआ था 1997 में और बंद हुआ था मार्च 2005 में। इस शो को प्रोड्यूस किया था मुकेश खन्ना सर की भीष्म इंटरनेशनल कंपनी ने और DD1 पर इस शो के 520 एपिसोड्स दिखाए गए थे अप्रॉक्सिमेटली। शक्तिमान के कॉन्सेप्ट की बात करें तो मुकेश खन्ना सर ने 1981 में इस शो के आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया था। एक बार मुकेश खन्ना सर ने अपने नेफ्यू को पावर जोन नाम का कार्टून शो देखते हुए देखा जो 90s में कार्टून नेटवर्क पर आता था। उनका नेफ्यू उस शो को इतना एंजॉय करता था कि वो घंटों घंटों तक शो से चिपका रहता था और उसे देखता रहता था, तो उन्हें लगा कि कुछ ऐसा इंडियन टीवी पर भी आना चाहिए। बट मुकेश खन्ना सर कोई एलियन सुपर हीरो कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना चाहते थे। वो मानते थे कि हमारे रामायण महाभारत जैसे एपिक्स में कितने ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं जो एंशियंट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट और पावर्स पर बेस्ड हैं। इसलिए उन्होंने शक्तिमान को यौगिक शक्तियों से उत्पन्न हुआ सुपर हीरो दिखाया था, जिसे सूर्यांश गुरुओं के ग्रुप ने क्रिएट किया था यज्ञ से, जिसकी पावर्स कुंडलिनी योगा और 5 एलिमेंट्स धरती जल आकाश वायु और अग्नि पर बेस्ड थी। और जो चक्रा कॉन्सेप्ट था ना जो आपने नारुतो में देखा था, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज हुआ है। अब प्लीज यार कोई ये मत कह देना कमेंट्स में कि शक्तिमान नारुतो की कॉपी है, क्योंकि मैं कई बार कमेंट्स में देखता हूँ कि कुछ व्यूअर्स हमेशा इंडियन शोज को ही कॉपीड या बेकार बताते हैं। सभी इंडियन चीज़ें बेकार या कॉपीड नहीं होती भाई लोग, अपनी चीज़ों पर प्राउड करना भी सीखो गाइज। और वैसे भी नारुतो की मांगा 1997 में आई थी और इस शो की तैयारी काफ़ी पहले से चल रही थी। हालांकि कुछ सिमिलैरिटी सुपरमैन से है इस शो की, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। शक्तिमान को यज्ञ से उत्पन्न करने के लिए 12 साल की कड़ी साधना की थी सूर्यांशी गुरुओं ने हिमालय में। जिसे शक्तिमान बनाया गया था वो 6000 साल पहले जन्मे सूर्यांशी सेक्ट के फाउंडर राजकुमार श्री सत्य का रीइंकार्नेशन था, जो प्रेजेंट युग में मेजर रंजीत सिंह और डॉक्टर कौशल्या देवी का बेटा था, जिसे पंडित विद्याधर शास्त्री और अरुंधति देवी ने पाला था शक्तिमान के पेरेंट्स की मौत के बाद। शक्तिमान किसी की पहचान में ना आ जाए या कोई शक्तिमान को पहचान ना ले, इसलिए वो एक ऑल्टर ईगो में रहता है जिसका नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री। गंगाधर का कैरेक्टर अमेरिकन कॉमेडियन जेरी लुइस से इंस्पायर्ड था। गंगाधर ही शक्तिमान है, ये लाइन भले ही आज एक मीम रेफरेंस बन गया है, बट 90s किड्स के बीच ये लाइन काफी पॉपुलर थी, क्योंकि हमें पता था कि गंगाधर ही शक्तिमान है, बट गीता को ये बात नहीं पता थी। इस शो में टोटल 3 बार गीता विश्वास को पता चलता है कि गंगाधर ही शक्तिमान है, बट फर्स्ट 2 टाइम्स शक्तिमान गीता की मेमोरीज मिटा देता है, बट 3rd टाइम वो नहीं मिटाता, क्योंकि गीता उसे प्रॉमिस करती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। आज हमारे पास एक से एक टेक्नोलॉजी आ गई है जिसने सुपर हीरो जॉनरे को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है, बट 90s के टाइम ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, खास करके इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं थी। और अगर आप बाहर से उस टेक्नोलॉजी को ले भी आओ इंडिया में, तो उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए स्किल्ड लोग नहीं थे इंडिया में, जिससे मुकेश खन्ना सर को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो इस शो को टर्मिनेटर सुपरमैन और स्पाइडरमैन जैसे इफेक्ट्स देना चाहते थे, बट ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी कोशिश की इस शो के स्पेशल इफेक्ट्स को उस लेवल तक लेके जाने के लिए, इसीलिए उन्होंने एक एक एपिसोड पर 10-10 लाख रुपए खर्च कर डाले। अगर इस शो के कैरेक्टर्स और स्टार कास्ट की बात करें तो शक्तिमान का रोल प्ले किया था मुकेश खन्ना सर ने, रिपोर्टर गीता विश्वास का रोल प्ले किया था किट्टू गिडवानी ने कुछ एपिसोड्स में, फिर वैष्णवी महंत ने रोल प्ले किया था, तमराज किलविश जिनके नाम में तम का मतलब है अंधेरा और राज का मतलब है राजा, बोले तो अंधेरे का राजा और अंधेरा कायम रहेगा वो डायलॉग 90s किड्स कभी नहीं भूल सकते। तमराज किलविश को 6000 साल पहले वज्रबाहु के नाम से जाना जाता था। इसका रोल प्ले किया है सुरेंद्र पाल सर ने, जिन्होंने महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य का रोल प्ले किया था। टॉम ऑल्टर सर ने महागुरु का रोल प्ले किया था, जो सूर्यवंशी ग्रुप के मेंबर थे। पावरफुल डॉक्टर जयकाल, इसकी बात करें तो इसका पूरा नाम है जयकाल विश्वामित्र शांडिल्य। इसका रोल ललित परिमू सर ने प्ले किया था। कपाला का रोल फकीरा सर ने प्ले किया था।
सही में यार, इस शो के पॉजिटिव कैरेक्टर जितने खतरनाक और पॉपुलर थे, नेगेटिव भी उतने ही जबरदस्त थे। शक्तिमान की पॉपुलरिटी की बात करें तो शक्तिमान बच्चों के बीच इतना पॉपुलर था कि बच्चे उसे रियल समझते थे और सोचते थे कि अगर वो कभी किसी मुसीबत में पड़े तो शक्तिमान उन्हें बचाने आएगा, जिस वजह से वो कई बार ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से छलांग भी लगा देते थे कि शक्तिमान उन्हें कैच कर लेगा। ऐसे इंसिडेंट्स की रिपोर्ट बढ़ने लगी जिसे रोकने के लिए मुकेश खन्ना सर ने अलग अलग मीडियम से डिस्क्लेमर से बच्चों को समझाने की कोशिश की कि भाई शक्तिमान रियल नहीं है। हालांकि मुकेश खन्ना सर ने यह भी कहा कि आधे से ज्यादा इंसिडेंट्स फेक थे ताकि शक्तिमान की पॉपुलरिटी को कम किया जा सके। जब मैं 12th में था तो मेरी क्लास में ही दूसरे सेक्शन में एक लड़का पढ़ता था। ऐसा एक अलेजेड इंसिडेंट उस लड़के के साथ हुआ था जिसे हम शक्तिमान ही बुलाते थे स्कूल में। जब वो छोटा था तो उसके दोस्तों ने उसे बिल्डिंग से कूदा दिया था ये कह के कि भाई कूद जा, शक्तिमान कैच कर लेगा तुझे, कुछ नहीं होगा, गिरने नहीं देगा। क्योंकि वो शक्तिमान का बहुत बड़ा फैन था तो वो ये सोचकर कूद गया और वो नीचे जाके गिरा धड़ाम से। वो बच तो गया बट उसका स्कल परमानेंटली डैमेज हो गया। हालांकि उसके स्कल में चोट तो है उसका तो मुझे पता है, बट ये इंसिडेंट फेक है या रियल है ये वो पता नहीं, उसने यही बताया था तो उसे हम सब सच मानते थे क्योंकि शायद ही 12th क्लास का बच्चा इतना बचकाना सा झूठ बोलेगा। खैर आजकल के बच्चे काफ़ी अवेयर हैं, फिक्शन और रियलिटी में डिफरेंस जानते हैं, बट फिर भी डू नॉट ट्राई दीज स्टंट्स एट होम। शक्तिमान सिर्फ 1997 से 2005 तक चलने वाला शो ही नहीं था बल्कि शक्तिमान की कॉमिक बुक्स भी आती थी जिसे डायमंड और राज कॉमिक्स जैसी पॉपुलर एजेंसी छापती थी। इसके स्टिकर्स और इसके मर्चेंडाइज भी आते थे। 2011 में शक्तिमान की एक एनिमेटेड सीरीज भी आई थी जिसे रिलायंस एनिमेशन ने बनाया था जो सोनिक पर आती थी। 2013 में एक शॉर्ट टेलीफिल्म भी आई थी हमारा हीरो शक्तिमान के नाम से जिसे पोगो पर दिखाया गया था। इसके अलावा लास्ट ईयर सॉरी शक्तिमान नाम का एक यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया गया था जो कि मुकेश खन्ना सर का इनिशिएटिव है बच्चों को अच्छी हैबिट्स और अच्छी बातें सिखाने का। यू शुड चेक इट आउट, बड़े चैनल है। शक्तिमान 2020 में वापसी कर रहा है 3D एनिमेटेड सीरीज के रूप में जिसका टीजर लास्ट ईयर कॉमिक कॉन में दिखाया गया था। अभी इसकी डेट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, जैसे ही पता चलेगा मैं आपको न्यूज सेगमेंट में जरूर बताऊंगा। एक और गुड न्यूज ये है कि रामायण महाभारत के बाद अब शक्तिमान भी वापस आ रहा है टीवी पर, दूरदर्शन पर। कुछ दिन पहले मुकेश खन्ना सर ने अपने यूट्यूब चैनल भीष्म इंटरनेशनल पर यह वीडियो अपलोड किया था। इस खुशखबरी में शक्तिमान, बहुत शीघ्र, कब, कौन सा टाइम, इंतजार कीजिए। भाई सच में इस लॉकडाउन की वजह से 90s किड्स की तो बल्ले बल्ले हो गई है, मस्त टाइम पास हो रहा है। 4 घंटे तो रामायण महाभारत चल रहा है, ब्योमकेश बख्शी देख लेते हैं, अब शक्तिमान भी आ जाएगा। बट गाइज इस एंटरटेनमेंट में स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। शक्तिमान बीच में ही बंद हो गया था, उसकी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई थी क्योंकि मुकेश खन्ना सर का DD वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा था जिसे रिन्यू करने के लिए दूरदर्शन वाले ज्यादा फीस मांग रहे थे और मुकेश खन्ना सर का उस टाइम स्लॉट में एड से इनकम होता था। बट फीस और एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से उन्हें शो को बीच में ही बंद करना पड़ा क्योंकि उन्हें खर्चा ज्यादा हो रहा था और प्रॉफिट कम। इस बात को और डिटेल में जानने के लिए आप भीष्म इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप सिंपल यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो। अब कुछ लोग कहते हैं कि शक्तिमान सुपरमैन की कॉपी है, तो पहले इन दोनों के सिमिलैरिटीज वाले पॉइंट्स देखते हैं, फिर वो पॉइंट्स देखेंगे जो शक्तिमान को सुपरमैन से अलग बनाते हैं। सुपरमैन का ऑल्टर ईगो क्लार्क कैंट जर्नलिस्ट है, शक्तिमान का ऑल्टर ईगो गंगाधर वो भी जर्नलिस्ट है और इन दोनों की गर्लफ्रेंड भी जर्नलिस्ट है। सुपरमैन के पेरेंट्स मर जाते हैं, शक्तिमान के भी मर जाते हैं। सुपरमैन को अडॉप्ट कर लिया जाता है, शक्तिमान को भी कर लिया जाता है। सुपरमैन की कमजोरी क्रिप्टोनाइट है, शक्तिमान की कमजोरी पापमणि है। अब अगर डिफरेंस की बात करें तो सुपरमैन एक एलियन था जबकि शक्तिमान का रीइंकार्नेशन हुआ था एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। क्लार्क कैंट एक सीरियस कैरेक्टर है, वहीं गंगाधर फनी और क्लमजी सा कैरेक्टर है। सुपरमैन सीधा उड़ता है प्लेन की तरह, बट गंगाधर गोल गोल घूमता है बहुत स्पीड से बिना चक्कर खाए। अब दोनों के पेरेंट्स भी डेड हैं तो क्या, ऐसे तो बैटमैन और स्पाइडरमैन के पेरेंट्स भी डेड हैं, ऐसे तो हैरी पॉटर के भी पेरेंट्स डेड हैं यार, ऐसे तो स्पाइडरमैन भी फोटो जर्नलिस्ट है। ये सिमिलरिटी आपको हर सुपर हीरो की स्टोरी में मिल जाएगी। तो आप इस शो को सुपरमैन से इंस्पायर्ड कह सकते हो बट कॉपी नहीं कह सकते क्योंकि सुपरमैन 1938 में ही आ गया था और इसी के आसपास ही बाकी सुपर हीरोज भी डेवलप हुए थे। शक्तिमान इज नो एक्सेप्शन और शक्तिमान टर्मिनेटर स्पाइडरमैन से भी इंस्पायर्ड है। तो भाई लोग फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू ऑल ऑसम फैक्ट्स। मैं मिलूंगा आपसे जल्द ही, तब तक के लिए स्टे सेफ, घर पे रहें, अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह से धोएं, सैनिटाइजर का बार बार यूज करें।
लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, जल्दी ही आपदा मिट जाएगी और हम सब सेफ हो जाएंगे। टिल देन स्टे awesome.